दुनिया में खेली जाती है होली, लेकिन ब्रिज में होता है होरा। होली की खुमारी वक्त के साथ लोगों पर चढ़ती जा रही है। दोस्तों राधे राधे, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड न्यूज। राधा रानी की नगरी बरसाना में भी लठमार होली खेली जाएगी। इस होली को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। ब्रज की होली की पहचान अब दुनिया भर में है। बरसाने की होली खेलने के बाद नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। मथुरा के बरसाने में खेली जाने वाली विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के लिए हुरियारिन तैयारियों में जुटी हैं। तेल लगाकर लाठियां तैयार कर रही हैं, नए नए कपड़ों की तैयारी होती है। नंदगांव से होली खेलने के लिए आने वाले हुरियारों पर डाले जाने वाले रंग भी बनाए जा रहे हैं। टेसू के फूलों से यह रंग तैयार किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई। राधा रानी की नगरी बरसाना में पहले लड्डू होली खेली जाती है, इसके बाद अगले दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। बरसाने में नंदगांव के युवक आएंगे और बरसाने की हुरियारिन उन पर लठ बरसाएंगे। ब्रज में होली के खेल को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। लठमार होली में नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं ही हिस्सा लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण नंदगांव के थे और राधा रानी बरसाने की थी। लठमार होली में रंगों का भी खास ध्यान रखा जाता है। इस होली में रंगों में कोई मिलावट ना हो, इसके लिए टेसू के फूलों से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लठमार होली के दौरान यहाँ रसिया गायन भी होता है। मान्यता के मुताबिक लठमार होली खेलने की परंपरा राधा और कृष्ण के समय से हो रही है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान कृष्ण को होली का उत्सव बहुत प्रिय है और वे अपने सखाओं के साथ इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। होली के मौके पर भगवान कृष्ण नंदगांव से राधा रानी के गांव बरसाने में जाते हैं और उनके साथ सखा ग्वाले भी होते थे। कृष्ण जब बरसाने पहुंचे थे तब वह सखाओं ग्वालों के साथ राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली की ठिठोली करने लगते, लेकिन राधा रानी और उनकी सखियां भी कम नहीं थी, वे छड़ियों से उनको मारने लगती। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई और आज भी बरसाने और नंदगांव में यह परंपरा निभाई जा रही है। मान्यता है कि बरसाने और नंदगांव की लठमार होली खेलने पर भगवान कृष्ण और राधा रानी भी इसी रंग में रंग जाते हैं। होली के मौके पर बरसाने के लाडली मंदिर से नंदगांव फाग को निमंत्रण भेजा जाता है। इसके बाद नंदगांव से एक फाग निमंत्रण को स्वीकार कर लाडली जी के मंदिर में संदेश लेकर पहुंचता है। आमंत्रण स्वीकार करने के बाद लड्डू खिलाए जाते हैं और इसी दिन यहाँ लड्डू होली खेली जाती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।